भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव और स्मृति ईरानी। जी हाँ, जैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी ये फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की, ये तो वायरल ही हो गई। आपको बता दें कि इन दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ दिल्ली में हैं। अब आप ये कह रहे होंगे कि दिल्ली में क्या कर रहे हैं? भाई, मोदी जी ने काम सौंपा है और वो दिल्ली में न रहे तो कहाँ रहे। जी हाँ, आपको तो पता ही है कि मोदी जी का जब भी कार्यकाल शुरू होता है, अपने सभी कार्यकर्ताओं, चाहे वो जीते हों या हारे हों, सभी को अपने संसदीय क्षेत्र में 100 दिनों का टारगेट दिया जाता है। जो भी उन 100 दिनों में कुछ अच्छा और कुछ नया, और या फिर यूं कह ले कुछ यूनिक कर आता है, उसकी पीठ थपथपाई जाती है और उसे उसके बाद और भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। ये देखा जाता है कि क्या ये नेता आगे चल के पार्टी के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है। खैर, इन दिनों तरह तरह की मीटिंग कर रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, सबसे सुझाव ले रहे हैं किस तरह आगे बढ़ना है, क्या करना है, इस काम से वो सभी के करीब जा सकते हैं। इस वक्त दिल्ली में दिनेश लाल यादव निरहुआ सभी से मिल रहे हैं, फिर वो दिल्ली का सबसे छोटा नेता हो या फिर सबसे बड़ा नेता हो, और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो स्मृति ईरानी से मिले। स्मृति ईरानी से मिलने के बाद उनसे उन्होंने सुझाव लिया कि आगे किस तरह से वो अपनी रणनीति तैयार करें और आगे आने वाले 2024 के चुनाव में अपना पंचम लहरा सके। वैसे तो ये लग रहा था कि हारने के बाद शायद दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ वापस आए नहीं, या उसके लिए कार्य ही न करे, ये उनके बोल बचन हो। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर ये लग रहा है कि वो आजमगढ़ फिर से वापसी करेंगे और 2024 के चुनाव में वो फिर अखिलेश यादव को कांटे की टक्कर देंगे और या हो सकता है विजयी भी हो जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।